हाय, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल फाइन. ओके, अब हम एक और कार्ड बनाने जा रहे हैं, कुछ 3D लाइक दिस. इसमें आप फ्लावर्स आ जाएंगे, ये एक बुके की तरह हो जाएगा. देन फोल्ड, आप फ्रंट पेज में कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं. देखिए, ये A4 साइज शीट है, इसको हम फोल्ड करके फोल्ड कर देंगे. देन इस साइड में स्लीपिंग, स्लांटिंग, देन हल्का सा और स्लीपिंग एंड स्लांटिंग. एक बुके का शेप देना है हमने. अगर आप क्लियर देखें तो ऐसे दिखेगा ही. और इसको हमें यहाँ से कट करना है, जस्ट ये जो स्लीपिंग लाइन है इसे कट करना है और यहाँ की स्लीपिंग लाइन कट करनी है. हम ये पोर्शन बिल्कुल भी कट नहीं करेंगे. अगर ये पोर्शन कट कर देंगे तो पूरा 3D नहीं बनेगा. तो जस्ट सिंपल हम इसे यहाँ से कट करके और दूसरे उसमें पेस्ट कर देंगे. दूसरे, जैसे मैंने ये रेड लिया है, पिंक अंदर का लिया है. तो देखिए, मैंने पहले वो ऐसे कट करा है मैंने, जस्ट सिंपल सा. और उसके लिए, बुके के लिए मैंने ऐसे स्ट्रिप्स कट करे हैं. देन मेरे पास पंच मशीन थी तो उससे मैंने बहुत सारे फ्लावर्स कट कर दिए. अब इसके अंदर कट करके एक एक को पेस्ट करके हम लगाएंगे तो ये बहुत अच्छा सुंदर सा एक बर्थडे कार्ड कह लीजिए, थैंक्स गिविंग कह लीजिए, आपके मम्मी पापा का एनिवर्सरी आता है तो आप उसमें भी बना सकते हैं. ओके, ये मैंने फोल्ड करके ऐसे ड्रॉ करा था, ठीक है. जैसे ही A4 शीट लेके इसे हाफ लिया है और फोल्ड करके मैंने इसे ड्रॉ करा एक साइड, क्योंकि अगर हम एक साइड ऐसे फोल्ड करके ड्रॉ करेंगे तो दोनों साइड इक्वल आएगा. सो, ये ऐसे पूरा आ गया. तो इस कार्ड के सेंटर में हम पेस्ट कर सकते हैं और आप लिख सकते हो कुछ भी, जो भी हैप्पी बर्थडे लिख सकते हैं, कुछ भी आपको लिखना हो. किसी की वेडिंग एनिवर्सरी है तो उसके लिए भी आप लिख सकते हैं.